मजस खातिन आज़ाद, मैं उमल तमीस हूँ, चेयरमैन गंधारा इनको बोर्ड, नायब प्रोफेसर डॉक्टर जहूर अहमद दवान साहब से कि वो स्टेज उसे तशरीफ ले आवन ते आज दी इस मजलिस दे हवाले दे नाल अपना इजहार ख्याल करें। आप डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब ते मेरे भैनों ते मेरी भराओ, ये आज साड़ी दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन और आखिरी सी पहला सेशन है जिस कार साड़ी बहुत काबिल एहतराम मोहतरमा अनीसा जैब साहबा इस्लामाबाद चो खसूसी तौर पर तशरीफ ले आईन और एक इनकोवान की हैसियत के उत्ते आईन। वजीर खुदा ने उन्होंने इज्जत मिली है, लेकिन वो अपनी जगह पर साढ़े वास्ते इस वक्त वो इनको बोलने वाली एक भैन की हैसियत के नाल इतने बैठी हैं। असी उन्हों का खैर मकदम इसी हवाले के नाल करने, बाकी तो मीडिया के नाल उन्हों का बहुत गहरा ताल्लुक भी है, अपनी वजारत के हवाले नाल भी और वैसे भी उन्हें अपनी डायनामिक शख्सियत ऐसी है कि मीडिया वाले आज खुद उन्होंने ताकब रेंदे ने, तो साने भी उन्होंने इतने उन्हें वजारत को इतने इस वास्ते बिठाया है कि मीडिया वाले इतने पहुँच जावन। बाकी तो यह भी एक उसका पहलू है और इस अंदर साड़ी खुदगर्जी है कि साड़ी इनको जुबान तो उसकी काज तो असी इन्हों बहुत दिली तौर पर शुक्रगुजार हाँ कि वह तशरीफ लियाईन। और इससे पहले साढ़े को जड़े बहुत सारे जड़ी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है दो दिन की, इस अंदर जितने भी साढ़े VVIP जड़ी साढ़े प्रोग्राम्स है वो सारे तलपट हो गए, उलट पुलट हो गए। गवर्नर साहब तीन चार दफा राबता उतो कर रहे, टाइम उन्होंने बने सारा कुछ किया, फिर वो कहें कि जी हूँ देखो हूँ तो ये इस मीटिंग में भी मैं जा रहा हूँ, इस मीटिंग में भी मैं जा रहा हूँ, तो वह सारा सिलसिला जोड़ा है साड़ा। इसी तरह वजीर आला साहब भी जिन्होंने किसी साढ़े सैशन उन्होंने अब खुद आना आया, फिर सिराजुल हक साहब देसी मशकूर हाँ, कल वो खुद इतने तशरीफ लैन इस्लामाबाद चो साड़ी दरख्वास्त थे और उसी हालत फिर वो वापस चले गए, सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से आए। इस तरह अनीसा जैब साहिबा भी इस्लामाबाद चो इसी हवाले तशरीफ ले आए और ये वापस जा सन, सिर्फ कॉन्फ्रेंस बस आए हैं। असी वो जड़े साढ़े VVIPs जड़े नहीं पहुँच सके उन्होंने एक अच्छा पहलू मेरे कुछ दोस्त इससे पर डिस्कस कर दे कि जी ये साड़ी कॉन्फ्रेंस जड़ी है ये फोकस हो गई है बजाय VVIP दे फोकस होने दे, ये सानू इसका बोनस मिले है कि साड़ी कॉन्फ्रेंस उसकी काज साड़ी ये जबान इस ज़्यादा कवरेज मिल गई है। और कवरेज के हवाले मैं कह कि जितना मीडिया ने साड़े नाल तावन किया है शायद ही किसी और दे नाल तावन किया हो, क्योंकि असी उन्होंने अखबारों के शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने बगैर साढ़े कहे उन्होंने साढ़े वास्ते पूरे पूरे सफे अंदर रंगीन सप्लीमेंट छाया किते ना, साढ़े को उन्होंने लख दो लख रुपया नहीं मंगा, सवेरे साले अखबार देखें तो उसे फुल पेज जड़े था वो आए साढ़े फीचर तस्वीर समेत, ये उन्होंने मोहब्बत और मेहरबानी है जिसे कार असी उन्हों का शुक्रिया लफ्जा के जरिए अदा कर सकने। तो चूंकि साड़ी मोहतरमा बैठी हैं इतने वजीर साहबा उन्हों का ताल्लक इसी शोबे के नाल है, असी हूँ यह चाहिए कि ये अपने शोबे के हवाले नाल जो कुछ साड़ी इस इनको जबानों अदब वास्ते हो सकता है ये कर सन, खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वे उस अंदर जो सरकारी चैनल खुलते हैं असी यह चाहिए कि इनको जबान नू उसका पूरा शेयर मिलना चाहिए। इनको पेशावर स्पेसिफिक नहीं गी, इनको कोहाट इनको हजारा दा एक इतना वड़ा एरिया वे कि जिथे एक बहुत वड़ी यानी एक वसत पाई जाती है जबान दे बोलने वाले दी। और इस अलावा साढ़े कोल नौशहरा अकोला और पिशावर के गिरदो नवा और बन्नू के बाद इलाके और डरेस्मेल खान के चार कि जगह है जिथे इनको नहीं बोली समझी जाती
और इस हवाले दे नाल इस जबान नू उतनी वक्त और अहमियत साड़ी सरकारी मीडिया भी मिलनी चाहिए जितने के कम अज कम सानू प्राइवेट मीडिया वाले आज खुद दे रहे हैं। साने उन्होंने नहीं किया लेकिन गैर सरकारी मीडिया जड़ा है वह सानू पूरी कवरेज दे रहा है। इन्हें से असी पैसे ना मांग सी हैं, पैसे की जगह सानू को कागज किताब दे दे सुन, क्योंकि इन्होंने कागज किताबों नाल ज्यादा ताल्लुक है। बार कैफ अगर दे दे उन चाहे उनकी मेहरबानी है, तो ना भी देव तो असं इन्होंने माफ करने। उस एक कानफ्रेंस आलमी कानफ्रेंस इतनी आसानी के नाल नहीं होंगे, इसे अगर ये अज दो दिन वास्ते हुई है तो इसके पिछले दो साल की मेहनत शामिल है। ता जाके साढ़े जेडे जितने कारकुन नौजवान जिन्होंने रातों दियां नींदरां ईदा रमजान कोई त्यौहार अपने घर बार सारे उन्होंने छोड़े, साढ़े जियाउद्दीन साहब जोड़े शहीद है, इनको मैं इन्हों कहना वा कि वो इन्हें घर माशाला बच्चा पैदा होया तो त्रै दिन बाद इन्होंने अपने बच्चे जाके देखा। तो ये इस शख्स का जुनून है, इस शख्स का इश्क है। डॉक्टर अदनान गुल साहब अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और बेशुमार, चलो साने तक कोई शादियां ते तकरीबात छोड़ी हैं ना, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा वे और असी इन्होंने मशकूर हाँ। इस महफल असी आप मैं बतौर गंदारा इनको बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत इन्हों की कोशिशों सराहना और मोहतरमा अनीसा जेब साहब से इस्तेदा करना कि वो मीडिया के कार जो कुछ भी साढ़े वास्ते हो सकता है वो करन। और साने माशाला इस इतने जितने बार सी मंदुबीन आए उन्होंने किया, साने नहीं किया, ये अल्फाज उन्होंने साढ़े मुँह च पाए कि आलमी कानफ्रेंस नहीं गी, आलमी सतह की कानफ्रेंस है, आलमी मेयार की कानफ्रेंस है। और मनु भी अपनी जिंदगी देकर बेशुमार आलमी कानफ्रेंस अटेंड करने का सारी दुनिया देकर मौका मिले है। और मैं फखरिया तौर पर कह सकना कि साढ़े इस गंदारा बोर्ड के जड़े कारकुन उन्होंने इस कानफ्रेंस में उस मेयार उस सतह पर पहुँचा दिता है। मैं एक दफ़ा फिर अपनी मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने ये जहमत इख्तियार की और इतने तशरीफ लिया है। शुक्रिया।